हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। न्यू इंडिया चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जल्द ही आईफोन 14 इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाला है, तो ये हमारी कंट्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्लीज मेरे न्यू इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आईफोन 14 इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको आप पहले समझो। देखो, एप्पल जब भी अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, कोई भी नया हो प्रोडक्ट, तो सबसे पहले वो ज्यादातर अपना मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही करता है। फिर जब कुछ साल हो जाते हैं और एप्पल फिर नए अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, तो जो पुराना वाला वर्जन रहता है ना, वो जो प्रोडक्ट्स है ना, उसको एप्पल ज्यादातर इंडिया में मैन्युफैक्चर करता था। तो इसके पहले इंडिया में जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा था, वो ज्यादातर पुराने ही वर्जन होते थे। हालांकि धीरे धीरे अब नए वर्जन भी होने चालू हो गए हैं, जैसे आईफोन 11, 12, 13 भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये पहली बार हो रहा है कि जब आईफोन 14 लॉन्च होगा तो फिर चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा होगा, तो उसके कुछ महीनों बाद पैरेलल में इंडिया में भी आईफोन 14 का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि इससे इंडिया का इमेज इंटरनेशनल लेवल पे एज अ मैन्युफैक्चरिंग काफी पॉजिटिव मेक इन इंडिया का इमेज बनेगा। देखो, एप्पल जो है ना, वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, उनका काम R&D होता है, सेलिंग करना होता है, नए रिसर्च नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है, ओनर तो वही है। लेकिन जो आईफोन जो होता है, अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देता है कि आप ये लो, मैंने रिसर्च किया है, मैंने बनाया अपना प्रोडक्ट, अब इसको मास लेवल पे मैन्युफैक्चर करो। तो इस तरह से होता है। तो ज्यादातर आईफोन का जो असेंबली है, वे फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन, ये कंपनीज ही करती है, जिसमें से जो फॉक्सकॉन है वे ऑलमोस्ट 70-80% असेंबली खुद करता है। तो जो भी हम आईफोन देखते हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो चाइना में, उसका मेजोरिटी ऑफ द असेंबली यही तीन कंपनीज करती हैं। तो आप लोगों ने पिछले कुछ सालों में काफी न्यूज सुना होगा कि ये तीनों कंपनीज इंडिया में काफी बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, और बहुत सारे आने वाले टाइम में आपको प्रोडक्ट्स इंडिया में आईफोन के या तो मैन्युफैक्चरिंग होते हुए दिखाई देंगे या तो असेंबली होते हुए दिखाई देंगे। बहुत से लोग इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि मेक इन इंडिया कैसे हुआ, क्योंकि ये तो सिर्फ असेंबल हो रहा है। तो देखो, आप इस बात को पहले समझने की कोशिश करो, चाइना में भी जो एप्पल के प्रोडक्ट्स बनते हैं और बाकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बन रहे हैं, वो किसी भी कंट्रीज में 100% नहीं बनता है। आईफोन के जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसमें से जो ऑलमोस्ट 40% पार्ट ही चाइना में बनता है, और बाकी बहुत सारे पार्ट्स अदर कंट्रीज में बनते हैं, जैसे डिस्प्ले को लेकर हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ, कैमरास हुए, वे अदर कंट्रीज में बनती है। तो वहां से बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने के बाद फिर एक जगह पे इन सभी को असेंबल किया जाता है, जो कि मैंने जो कंपनीज को बताया, फॉक्सकॉन हुआ, पेगाट्रॉन हुआ और विस्ट्रॉन कंपनीज हुई। तो इस तरह से होता है। आज चाइना में जो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग होता है या फिर बाकी जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर होता है, ऑलमोस्ट 40% कंपोनेंट जो है वो लोकली मैन्युफैक्चर होता है चाइना में ही, और बाकी जो कंपोनेंट 60% ऑलमोस्ट, एक एवरेज बता रहा हूँ, ये बाहर की कंट्रीज से चाइना इंपोर्ट करता है, वहां पे उनका असेंबल हो, या फिर बाकी जो कंट्रीज है जहाँ पे चीप लेबर, जैसे इंडिया हुआ, वियतनाम हुई, इन सब कंट्रीज में, तो वही सब प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होकर एक जगह असेंबल करते हैं। तो जो असेंबली का जो बिजनेस है ना, चाइना में धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है, इंडिया जैसी वियतनाम और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ये कैप्चर करे उस मार्केट को। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता रहेगा, तो वैसे वैसे इंडिया में कंपोनेंट मैन्युफैक्चर होगा, तो उसमें मेड इन इंडियन कंपोनेंट्स लगने चालू हो जाएंगे। ये इतना आसान नहीं होता है, आप इस बात को समझने की कोशिश करो। चाइना को 40% कंपोनेंट को लोकली मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यहाँ तक पहुँचने में ऑलमोस्ट 40 साल लग गए। तो आप सोच रहे हो कि कुछ साल पहले आप मेक इन इंडिया चालू कर रहे हो, फिर आप 100% सारे प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट खुद बनाने लगोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, दुनिया में ऐसा नहीं होता है। देखो, जब भी कोई प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होता है, तो उसमें जो सप्लायर जो है बहुत क्रिटिकल रोल निभाते हैं। तो जो आईफोन मैन्युफैक्चर होता है, उसमें उनके जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करते हैं बहुत सारे, वे लोकली जो सप्लायर होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो चाइना में जो आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो भी 40% है, तो वहां पे काफी सारे चाइनीज सप्लायर डेवलप हुए हैं जो अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इंडिया में मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे उस लेवल का अभी सप्लायर डेवलप नहीं हुआ है। आपने सुना होगा कि बीच में न्यूज आया था, टाटा कंपनी जो है वो बात कर रही है कि वे भी आईफोन मैन्युफैक्चर करे, तो क्या करेंगे, एज अ सप्लायर रोल निभाएंगे। तो ये इतना आसान नहीं होता डेवलप करना, काफी टाइम लगता है इसको डेवलप होने में, तभी जाकर आपके लोकल कंपोनेंट को कंपनीज परचेस करेंगी और वे मेड इन इंडियन प्रोडक्ट्स को अपने प्रोडक्ट्स में यूज करेंगी। मैं इसके ऊपर एक केस स्टडी बनाने वाला हूँ, सब कुछ रिसर्च करके रखा हूँ, बीच में मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, तो मैं जल्द इसके ऊपर लेके आऊंगा, लंबा केस स्टडी होगा, एटलीस्ट 20-25 मिनट का तो होगा ही, तो उसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से चाइना में मैन्युफैक्चर होता है और इंडिया क्या सीख सकता है, दुनिया भर में एप्पल कितना बड़ा ब्रांड है। देखो, इंडिया में एक तो दूसरी बात ये भी है कि मार्केट शेयर एप्पल का काफी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और इंडिया दुनिया का सेकेंड सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है आफ्टर चाइना, और एप्पल इंडिया में सिर्फ मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ से मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट भी कर रहा है। एप्पल ने 10,000 करोड़ रुपीज का पिछले साल एक्सपोर्ट किया है, और एप्पल लोकली कुछ कंपोनेंट इंडिया के परचेस करता है। धीरे धीरे हमारे यहाँ पे सप्लायर डेवलप हो रहे हैं, तो धीरे धीरे मेक इन इंडिया का जो परसेंटेज है वो बढ़ता ही रहेगा। तो इसमें इतना डिसाइज करने वाली बात नहीं है, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी फोकस कर रहे हैं, और PLI स्कीम के थ्रू इन सब कंपनीज को काफी बेनिफिट मिला है, और इसलिए ये कंपनीज और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है। जैसे हाल
कंपनी में आईपैड भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान कर रहे हैं। मैकबुक जो है वियतनाम में काफी शिफ्ट किया है उन्होंने, तो हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है कि बाकी एप्पल के भी प्रोडक्ट्स और दुनिया भर के काफी प्रोडक्ट्स जो है वे हमारे कंट्री में भी मैन्युफैक्चर हो। क्योंकि एप्पल जैसे जब ब्रांड आपके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है तो बाकी कंपनीज में भी कॉन्फिडेंस आता है और वे भी इंडिया में आके धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग अपना बढ़ाएंगी और भी इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में हमारे यहाँ पे धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट आता रहेगा। तो एप्पल का भी मैन्युफैक्चरिंग जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर का जो टारगेट है कि वे इंडिया में 47,000 करोड़ रुपीज का आईफोन के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगी। इसमें से मेजोरिटी ऑफ द सेलफोन ही होगा। आपने न्यूज सुना भी होगा कि एप्पल अपना 20% मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट कर रहा है इंडिया और वियतनाम जैसी कंट्रीज में। तो अभी टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं होता। आप ये नहीं सोच सकते कि एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग चाइना में बंद कर देगा और पूरा इंडिया में शिफ्ट करेगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एप्पल के लिए चाइना बहुत बड़ा मार्केट है। पिछले कुछ सालों में तो चाइना में एप्पल का शेयर सबसे ज्यादा हो गया है। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज मेरे न्यू इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाला हूं। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, छोटी सी बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।